एबीपी सांझा देखने वालों नूं श्वेता शर्मा दी सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ते कि तुसी भी सोच विच डुबे होए हो कि अज दे दिन की पाया जावे, की पाया जावे कि ट्रेंड्स नाल असी मैच कर पाइए, की पाया जाए कि असी दिवाली पार्टीज विच सब तो यूनिक ते वख लगीए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स बिगिन विद द ट्रेंड्स। सब तो पहला है जोधपुरी ब्लेजर्स विद पैंट्स। अक्सर मुंडे ये सोचते ने कि कुर्ता पजामा तो अलावा की पाया जावे, ता जोधपुरी ब्लेजर्स नाल पैंट्स एक ट्रेडिशनल यट मॉडर्न ट्रेंड है। इस तो अलावा कुर्ता पजामा ता है ही, कुर्ता पजामा विच भी वख वख वैरायटीज आ रही ने, जिदा कुर्ता पजामा विद दुपट्टा, विदाउट दुपट्टा, मैंडरिन कॉलर, लोंग स्लीव, एसिमेट्रिकल कुर्ताज एंड मोर। कुड़ियां लई बेस्ट है वाइब्रेंट लहंगास। ये लहंगास सिंपल कलर्स विच भी हो सकते ने, वाइब्रेंट कलर्स विच भी हो सकते ने, इन्हां ते गोटा पट्टी वर्क हो सकता है, इन्हां ते स्टोन वर्क हो सकता है, सिल्वर अते गोल्डन ह्यूज हो सकते ने। इस तों अलावा हैवी दुपट्टे नाल सिंपल लहंगा भी हो सकता है। कुड़ियां लई तां चॉइसिस बथेरियां ने, लेकिन ट्रेडिशनल अते मॉडर्न लुक नूं जेकर तुसीं रखना चाहुंदे हो तां गो फॉर फ्यूजन। एथनिक स्कर्ट नाल एक क्रॉप टॉप, प्लाजोज नाल लोंग कुर्ता, हैवी स्कर्ट नाल सिंपल टॉप, एहो जिहे ट्रेंडिंग कपड़े पाए जा सकते ने। इस तों अलावा साड़ी ड्रेपिंग नूं भी वधिया तरीके नाल कीता जा सकता है। ड्रेपिंग डबल दुपट्टा नाल भी कीती जा सकती है। मॉडर्न लुक लई एक्सेसरीज दा इस्तेमाल कीता जा सकता है। जे तुसीं अजे भी कन्फ्यूज हो तां असीं फॉलो कीता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नूं। दरअसल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एकता कपूर की दिवाली पार्टी विच पुजे सी, ते इन्हां ने केड़ी केड़ी ड्रेसा पाईयां, केड़े केड़े कलर्स पाए, देखते हैं। सब तो पहला देखते हैं हाउ येलो एंड गोल्डन टोन्स वर्क्ड ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशंस। एकता कपूर की दिवाली बैश ते राशि खन्ना येलो अते गोल्डन टोन की साड़ी विच दिखी, जबकि श्रद्धा आर्या दिखी मस्टर्ड अते गोल्डन टोन दी साड़ी विच। जिथे राशि दी साड़ी विच मॉडर्न टच सीगा, श्रद्धा ने ट्रेडिशनली साड़ी पाई सी। एंड यू कैन सी द प्रिटी बेबी बंप। ते हुन देखते हैं सिल्वर टोन्स इन दिवाली बैश। दिवाली के दौरान सिल्वर टोन्स सेक्विन साड़ीज भी वधिया लुक दिंदियां ने। दरअसल इन्हां नाल तुसी मॉडर्न अते ट्रेडिशनल दा फ्यूजन बना लैंदे हो अते हिप एंड ट्रेडिशनल लगदे हो। माहिरा दी सिल्वर साड़ी अते सोफी दा सिल्वर लहंगा आही वाइब्स दे रहे ने। हुन गल करदे हां ब्लू टोन्स विद सिल्वर दी। आ देखो रकुल प्रीत दी साड़ी अते दिव्यांका दा लहंगा, दोनों विच पिकॉक शेड्स अते रॉयल ब्लू कलर्स ने, लेकिन दोनों कलर्स नूं एनहांस कर रहा है सिल्वर। चाहे वो सेक्विन होवे जां फिर गोटा वर्क, रकुल नाल ही जैकी भगनानी नूं भी देखो, उन्हां ने भी डीप ब्लू पाया है अते कुर्ता विद जैकेट है। वाइब्रेंट लहंगियां दी गल करिए तां इस मोहतरमा तों नजर नहीं हटती। रेड लहंगा विद मॉडर्न क्रॉप टॉप एंड दुपट्टा विद डार्क रेड लिप इज जस्ट वाओ। इस तों अलावा साडी मेहंदी भी कुछ घट नहीं है। Orange with tones of red and golden is just wow again. वैसे vibrant लहंगा हिना खान दा भी amazing है, जिसका base ता simple है, लेकिन उसते various colors अते stones नाल वधिया काम किया गया है। सिंपल कलर्स दी गल करिए ता सोनाक्षी दा भी ऑफ वाइट कलर नाल गोल्डन वर्क एलिगेंट लगता है। उस दे नाल ही नुसरत दा पिंकिश पर्पलिश लहंगा विद मॉडर्न चोली एंड गोल्डन वर्क लुक्स ब्यूटीफुल। दिवाली ते ब्लैक अते सेक्विंस दा भी वड्डा रिवाज है। ऐसी रिवाज नु कंटिन्यू कीता अंकिता लोखंडे ने। उना दे पति विकी अते राज कुंद्रा ने भी ब्लैक पाया, लेकिन अत ही करा दित्ती प्रियंका चहर चौधरी ने। इन्होंने ब्लैक सेक्विन लहंगा पाया अते मारी सिटिया। लेकिन कई लोकी दिवाली दे दौरान कलर्स नूं लैके कॉशियस रहंदे ने, ऐसे करके वो अपने सन साइन दे हिसाब नाल ही कलर्स पाउंदे ने। बट डोंट वरी, वी हैव गॉट दैट लिस्ट यू। जे तुसी एरीज हो तां तुहानूं पाना चाहिदा है रेड, टोरियंस नूं पाना चाहिदा है ब्लू, जेमिनाई वालियां नूं पाना चाहिदा है ऑरेंज, कैंसेरियंस नूं ग्रीन, लियोस नूं ब्राउन, वर्गो सनसाइन वालियां नूं वाइट, लिब्रंस नूं येलो ते मस्टर्ड, स्कॉर्पियंस नूं मरून, सैजिटेरियस नूं पर्पल, केप्रिकॉन नूं ब्लू,
एक्वेरियस नू ग्रे अते पाइसेस नू पाना चाहिदा है पिंक। वस्त्र किस तरीके से पहनने होंगे पूजा पाठ के लिए, महिलाओं को, स्त्रियों को या फिर लड़कियों को, किस तरीके से वस्त्र वो धारण करें जिससे माँ प्रसन्न हो और कहें कि नहीं इनका तो जो मनोकामना इनके वो पूर्ण हो जाएगा इस बार। जी देखिए, लाल रंग का मैं बार बार इसीलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि लाल रंग जो होता है वो एक तो हमारे मूलाधार चक्र का भी होता है जो हमारा बेस चक्र है। दूसरी बात यह है कि लाल रंग पैसे को आकर्षित करता है। आप देख लीजिए, आप किसी पार्टी में जाएंगे एंड यू सी समवन इन रेड कलर तो आपका ध्यान ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर लाल रंग के वस्त्र आप कोशिश करें पहने। अगर मान लीजिए वो पॉसिबल नहीं है तो कोई भी ब्राइट कलर आप पहन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर आपको कोशिश करनी चाहिए जो शुभता के रंग हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं वो पहनना है। नीला अवॉइड करना है, आप कह रहे हैं नीला अवॉइड करना, नीला या काला रंग आपको अवॉइड करना, नीला काला अवॉइड करना है। किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा, कौन सी वो बातें हैं जो दिवाली के दिन तो कम से कम नहीं करनी है, माँ नाराज हो जाएंगी या फिर प्रसन्न नहीं होंगी, उन बातों का ख्याल रखना ही है, वो जरा बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि दीपावली के पूजन में आप देखेंगे कि इस समय पर आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं और साथ ही साथ में क्योंकि ज्ञान की देवी होती है माँ सरस्वती, और अगर हम वैसे भी कहें तो स्टूडेंट्स के अलावा सभी को मुझे लगता है ज्ञान की ज़रूरत है क्योंकि पैसा आपके पास आ गया लेकिन खर्च कैसे करेंगे वो विजडम भी आपके पास आई थिंक होना चाहिए। तो ज़रूरी ये है कि आप माँ सरस्वती का पूजन ध्यान तो ज़रूर करें लेकिन साथ ही साथ में अपने आसपास मोर पंख लगा सकते हैं। मोर पंख हमारे शास्त्रों में एक ऐसी चीज़ मानी गई है जिसके ऊपर आप देखेंगे हर एक तो हर धर्म में इस्तेमाल होता है, मिट्टी इसके ऊपर टिकती नहीं है। तो घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इस दिन आप मोर पंख घर में ज़रूर लगाएं। हमारे घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे समय से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बट आपने रखी हुई है, आपको ऐसी चीज़ों को डीक्लटर कर देना चाहिए एटलीस्ट दीपावली के समय पर। दूसरी बात, घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वो घर का सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहीं से सारी एनर्जीज फ्लो करती हैं। तो कोशिश कीजिएगा दीपावली के दिन, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर में हर तरह से स्थिरता चाहते हैं, तो घर का जो ब्रह्म स्थान होता है जो घर के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है वहाँ पर कोई भी हैवी चीज़ नहीं रखी होनी चाहिए। वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए अगर आप उस जगह को खाली रखें, उसे साफ़ सुथरा रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, दीपावली के दिन कलश का बहुत महत्व होता है तो जब आप पूजा करेंगे तो कोशिश करें जल से भरा हुआ कलश भी अगर आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं या जिस तरह से आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, उनके दाईं तरफ आपको कलश रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी जो धन वर्षा है वो होती है और क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर का स्थान है तो कहीं ना कहीं पर धन से परिपूर्ण रहता है पूरे साल भर आपका घर। और एक बहुत बेसिक सा सवाल, क्योंकि दिवाली के मौके पर लोग दिए खरीदते हैं जी, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में दियों का चलन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन क्या करें, दीपक दिए में ही जलाएं या फिर मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई ये भी कहा जाता है कि मोमबत्ती से उतना प्रसन्न माँ लक्ष्मी नहीं होंगी क्योंकि उनको मिट्टी से प्रेम है तो आप मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दीपावली का दिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मिट्टी के दिए होते हैं, और मैंने मिट्टी का आपको सिग्निफिकेंस बता दिया है कि क्यों हम मिट्टी का इस्तेमाल या मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं, इसी क्योंकि इसका सीधा सीधा रिलेशन पंच तत्वों से हो जाता है, तो इसीलिए मिट्टी की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और क्योंकि वो वैक्स है तो देखिए बुराई तो किसी भी चीज़ में नहीं होती, लेकिन हाँ जो घी का दीपक होता है उसमें जाहिर सी बात है आप घी नहीं डालेंगे, लेकिन जब आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो वही शुद्ध माना गया है। तो चाहे आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान गणेश का या भगवान विष्णु का, आपको कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी के जो दीपक है उसमें आप जलाएं, या फिर आप आपके घर में अगर चांदी का दीपक हो तो वो भी बहुत शुद्ध मानी गई है महालक्ष्मी के पूजन के लिए, तो चांदी के बर्तनों का या चांदी के दीपक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है भावना जी कि उपवास रखना है दिवाली के दिन या फिर नहीं रखना है, व्रत रखने से कितना फ़ायदा मिलता है, रखना कितना ज़रूरी है या फिर नहीं रखें फिर भी चल जाएगा, आपको क्या लगता है, मतलब क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए व्रत रखें तो फल ज़्यादा मिलेगा, ना रखें तो भी चलेगा। देखिए मैं तो कभी भी ये नहीं कहती, अगर आपकी मान लीजिए सेहत अलाउ नहीं करती तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, व्रत रखने का यहाँ पर एक नियम बताया गया है, कार्तिक मास जो होता है उसमें कई सारे व्रत आते हैं जिसमें कि महालक्ष्मी का व्रत बेहद खास होता है, और ये जाहिर सी बात है कि व्रत रखना आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं पे बहुत हद तक स्थिरता लेकर के आता है।
तो मेरे हिसाब से अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये दिन बहुत खास होता है। महालक्ष्मी के नियमित आप व्रत ज़रूर करें, और व्रत करें तो संकल्प ले करके करें। संकल्प लेने की विधि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो संकल्प ले करके आप इस दिन व्रत ज़रूर करें। लेकिन जेकर ट्रेंड्स नहीं फॉलो कर पा रहे हो, शॉपिंग भी नहीं हो पा रही है, लास्ट मिनट पे बॉलीवुड नाल कितना मैचअप करिए, तुसी ऐसी सोच विच बिजी हो, देन यू कैन डू वन थिंग। तुसी अपना सिंपल सूट कड्डो ते हैवीएस्ट दुपट्टा उहदे नाल मैच कर लो, जां फिर अज बाहर जाके हैवीएस्ट दुपट्टा उस सूट दे हिसाब नाल बाय कर लो, एंड देन यू कैन वेयर दैट। दैट सिंपल, एलिगेंट एंड मॉडर्न। वैसे मेरी सब तो सिंपल ट्रिक ये है कि अपनी मम्मी या ग्रैंड मदर की कोई भी हैवी साड़ी तुसी पाओ ते दिवाली बैश की शान बन जाओ। सानू कॉमेंट सैक्शन में ये जरूर दस्यो कि तुसी इस बार दिवाली 2024 विच की पाया। फिलहाल एबीपी सांझा नू सब्सक्राइब कर लो, तो इस वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करो। Thank you.